हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पबजी थीम अपने व्हाट्सएप के लिए खुद बना सकते हो। तो मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कौन सा बटन की क्या फंक्शनिंग है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और उसके बाद आप एक अच्छी सी थीम खुद क्रिएट कर पाएँ। तो मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप अच्छी से अच्छी थीम अपने व्हाट्सएप के लिए बना पाएं। तो कैसे होना है ये सब कुछ, तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा बड़े आराम से, और मैंने बहुत ही वीडियो सोच समझ के बनाया है ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को देखते देखते लाइक कर लीजिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और उस घंटे को भी दबा दो, ठीक है। दोस्तों, WhatsApp पर PUBG थीम बनाने के लिए और WhatsApp थीम को चेंज करने के लिए आप लोगों को एक नया WhatsApp डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है यो WhatsApp। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस पर क्या सेटिंग करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा उसको डाउनलोड करने से पहले। उससे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ थीम कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पर आप थ्री डॉट्स देख रहे होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। फॉर्ड मोड्स की सेटिंग दिखेगी सबसे पहले, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यो थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको डाउनलोड यो थीम्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 4 से 5 KB की काफ़ी सारी थीम्स मिलती हैं। तो आपको नीचे जाके ढूंढ लेना है एप्पल की ब्लैक एप्पल थीम, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा नीचे स्क्रॉल करने के बाद। तो वहाँ पर आपको एक एप्पल थीम मिलेगी जो कि डार्क होगी एकदम ब्लैक में। तो आपको यहाँ इंस्टॉल का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है, अप्लाई आएगा और ओके करना है। तो ये थीम आपके फ़ोन पर अप्लाई हो जाएगी तुरंत, क्योंकि बहुत ही KB के होते हैं, 4 KB 5 KB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये अप्लाई हो चुका है पूरा, आप लोग यहाँ पे लुक देख लीजिए। अब बात करते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कैसे फोटो लगानी है, ठीक है, पबजी को कैसे कन्वर्ट करना है, पबजी थीम कैसे बनानी है। तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है अगेन, तो यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके फॉर्ड मोड की सेटिंग पे जाना है। उसके बाद एक यूनिवर्सल का ऑप्शन मिलेगा आपको, फिर कलर्स का ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप अपनी गैलरी से एक डाउनलोड कर लीजिएगा फोटो, आप लोग कोई भी ब्राउजर से फोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं पबजी की, या तो पबजी का कोई वॉलपेपर डाउनलोड कर लीजिए वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया गैलरी से ये वॉलपेपर पबजी का, और उसको मैं अब यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब हम बैक जाते हैं और देख लेते हैं ये थीम हमारे में लग चुकी होगी, तो ये इस तरीके की दिखती है, आप ये देख सकते हैं। तो ये तो था पहला स्टेप थीम बनाने का। अब जब हम किसी से चैट करेंगे तो हमारे अंदर के वॉलपेपर में भी ऐसी ही पबजी की थीम आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले एक लुक, आप देख लीजिए। उसके बाद जैसे हम किसी चैट को ओपन करते हैं, मान लीजिए, तो ये देखिए एप्पल का साइन आ रहा है, क्योंकि ये एप्पल की थीम थी, इसे चेंज करना है। तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा। वॉलपेपर के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो एक और वॉलपेपर जो आपको अच्छा लगे पबजी का, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्राउज़र से डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और इस फोटो को आप फिर ड्रैग कर सकते हो, जूम वूम आप जैसे भी करना चाहते हो, जितना एडजस्ट करना चाहते हो सब कुछ आप इस फोटो को कर सकते हो। उसके बाद आपको सेट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर लोगे तो आपका वॉलपेपर भी सेट हो जाएगा और पबजी का बैकग्राउंड भी सेट हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी पूरी पबजी थीम व्हाट्सएप के लिए तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही शानदार लगता है देखने में। और अगर आप किसी को दिखाएंगे पबजी लवर को, तो ज़रूर से हैरान होने वाला है और ज़रूर से आपके पीछे पड़ जाने वाला है कि भाई मुझे भी बता तुमने ये कैसे किया। अब बात करते हैं, ये तो होगा थीम बनाना कैसे, अब डाउनलोड कैसे करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को अपने फ़ोन पर दो काम करने होंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम होता है आपकी चैट्स ना उड़े, इसलिए आपको चैट बैकअप लेना होगा। चैट बैकअप कैसे लेते हैं, अपने पुराने वाले व्हाट्सएप पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, चैट्स में जाना है, फिर चैट बैकअप का ऑप्शन आएगा और ये बैकअप का जो बटन दिया है उस पर क्लिक करना है, और फिर आपको बैकअप ले लेना है अपनी चैट के लिए, ताकि आपकी कोई भी चैट डिलीट ना हो, आपकी चैट सेफ रहे। उसके बाद उससे भी पहले आपको डाउनलोड करने से पहले अपनी सेटिंग पे जाके सिक्योरिटी में अननोन सोर्सेज को इनेबल करना होगा, ताकि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओ, क्योंकि ये एप्लीकेशन बाहर से है तो आपको डाउनलोड करने के लिए इसको परमिशन देनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो पबजी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि आज की थीम आपको कैसी लगी और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।